नाबालिग से रेप के वक्त केरल कांग्रेस अध्यक्ष थे मौजूद, सीपीएम नेता का सनसनीखेज आरोप। सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नाबालिग से रेप के वक्त केरल पीसीसी अध्यक्ष के सुधाकरन नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल के घर पर मौजूद थे। मावुंकल ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया था। पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को मावुंकल को बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रविवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए एमवी गोविंदन ने पार्टी के मुखपत्र देश विमानी में छपी एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया। गोविंदन ने कहा कि पीड़िता ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से यह बात कही है और एजेंसी ने उसके बयान के आधार पर केपीसीसी अध्यक्ष को तलब किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।